सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। मैनपुरी में शिवपाल यादव ने जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवपाल का कहना है कि हमारे परिवार और घरों की निगरानी ड्रोन से की जा रही है, साथ ही निजी जिंदगी में दखल देने का काम भी किया जा रहा है। अगर उत्पीड़न नहीं रुका तो वो प्रदर्शन को मजबूर हो जाएंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, जिस तरीके से अभी शिवपाल यादव का बयान आया कि उनकी निजी जिंदगी में ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी की जा रही है। देखिए नंदनी, जब से जो है ये बाई इलेक्शन जो है चर्चा में आए हैं, चाहे वो मैनपुरी का हो, चाहे वो रामपुर का हो, चाहे वो खतौली का हो, तो समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लगातार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का इल्जाम लगा रही है। जैसे आज जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, उनके लोगों को रात पुलिस जो है वो छापा मार के बंद कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं को प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। और ये भी एक बड़ा इल्जाम है कि सरकार जो है ड्रोन से उनकी निगरानी करा रही है, जिससे उनका निजता का हनन हो रहा है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि दो दिन के भीतर ही दो बार लखनऊ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो लखनऊ का कार्यालय है वहां पे समाजवादी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एक ज्ञापन सौंपने गया था, जिस प्रकार से ये अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया जा रहा है। उसके पहले रामगोपाल यादव दिल्ली में पहुंचे थे, वहाँ सबूतों के तौर पे वो पहुंचे थे। किस प्रकार से होटल से होटलों का नाम काटा जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को बांधा जा रहा है। रामगोपाल यादव ने भी बड़े आरोप लगाए थे और तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे ये लगाया जा रहा है। आज 4 दिसंबर है, कल 5 तारीख को चुनाव होना है और कल 3 तारीख को चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन आरोपों का सिलसिला समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक थमा नहीं है। और शिवपाल यादव ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से बर्तना ब्लॉक रूम के पति को पुलिस ने हिरासत में लिया था वो निंदनीय है नंदनी, और ये पूरी तरीके से कानून के खिलाफ जाके काम हो रहा है, चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले, ऐसी बातें हो रही हैं। देखा जाए तो लगातार शिवपाल यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। अगर उनकी सुरक्षा की बात करें तो उन्होंने कहा कि जब तक उनको जेड प्लस की सुरक्षा मिली थी, अब वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, तो वो इसको लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी जो है बदले की राजनीति कर रही है। जी नंदनी, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब शिवपाल यादव की जिन श्रेणी की सुरक्षा घटा के वाई श्रेणी सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया था। एक हिसाब से देखा जाए तो उनका डिमोशन कर दिया गया था। 2018 में जब 100 से अधिक समाजवादी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में कटौती या सुरक्षा समाप्त कर दी गई थी, तो 2018 में शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, उसके बाद से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किया गया था, उनकी सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई थी। और मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव से
मैनपुरी के चुनाव से थोड़ी दूरी बरते और अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहे। लेकिन लेकिन शिवपाल यादव के बड़े भाई मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से 1991 से जीतते रहे हैं, सपा का ये गढ़ रहा है, उनकी प्रतिष्ठित और पारंपरिक सीट रही है, तो सपा की नाक का सवाल है मैनपुरी। और कुनबा जो है मुलायम सिंह यादव का, जो कुनबा अपने पीछे को छोड़ गए हैं समाजवादी पार्टी का, वो अब चाचा भतीजा एक साथ दिखते आ रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को काफी दिक्कत हो रही है। अगर शिवपाल यादव की बदले की राजनीति की बात करें तो पहले उनकी सुरक्षा श्रेणी को घटाया गया, डिमोशन किया गया, फिर उसके बाद सरकारी बंगले खाली कराने की रवायत भी चल रही है, उसके बाद रिवर फ्रंट का जो जांच है उसके घोटाले की जांच भी आ रही है। तो इस प्रकार से वो जो आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो आरोप जो है एक तरफ से सही साबित होता दिख रहा है। और आज वो सबसे बड़ा आरोप शिवपाल यादव ने लगाया है कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, डीएम और एसएसपी जो मैनपुरी और इटावा के हैं वो लोग काम नहीं करने दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और ड्रोन से शिवपाल यादव की घर की निगरानी हो रही है, तो ये उनके निजता खंडन है। और समाजवादी पार्टी के नेता और शिवपाल यादव की तरफ से बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा आरोप है। विवेक, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी शिवपाल यादव ने अपने बयान में कहा कि अगर ये नहीं रुका तो वो प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर। हाँ जी नंदनी, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं, उनकी जनता के हिंडन लगातार होता रहा है, तो वो डीएम और एसएसपी दोनों के कार्यालयों का घेराव करेंगे। बरसरा के जो ब्लॉक प्रमुख है उनके पति को जमानत के बाद भी जो है हिरासत में रखा गया था, हालांकि अभी उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से उनको हिरासत में रखा गया था ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को नागवारा गुजरा है। और ये सीधा बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमें काम करने के लिए रोक रही है, जिससे कि वो तीनों जो बाई इलेक्शन है और मैनपुरी का जो बाई इलेक्शन है सबसे बड़ा बाई इलेक्शन है, इस पे जो समाजवादी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से नमारी करना चाहती है वोटों में, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। जब ये इलेक्शन शुरू हुए थे तब से ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राजेंद्र चौधरी हो, ये सब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलग अलग जगहों के दफ्तर पहुंचे हैं, साक्ष के साथ पहुंचे हैं, किस प्रकार से वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम कटा जा रहा है, यहाँ से थाना अध्यक्ष या पुलिसकर्मी सपा कार्यकर्ताओं को रोक रहे थे, चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे थे। और रामगोपाल यादव ने सबसे बड़ा ये इल्जाम लगाया था कि जो डीएलओ है वो नाम नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम दे रहे हैं, और जो संभावित एजेंट है समाजवादी पार्टी के जो पोलिंग एजेंट है उनको रोका जा रहा है काम करने से, और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे वोटरों के नाम दे रहे हैं। नंदनी, देखा जाए विवेक, तो कल उपचुनाव होना है मैनपुरी में, इस तरह के लगातार सपा और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और इस तरीके से अभी शिवपाल यादव का जो बयान है तो क्या संकेत देता है ये? देखिए नंदनी, इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, हालांकि ये बाई इलेक्शन है लेकिन ये सबसे बड़ा बाई इलेक्शन कह सकते हैं मैनपुरी को, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको भेदने में लगी हुई है, इसके लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आरोपों की बात तो है ही, हम देख ही रहे हैं कि तमाम बड़े आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पार्टियों के नेता लगा रहे हैं, लेकिन अब नेताओं में जुबानी जंग भी हमें इस बाई इलेक्शन में देखने को मिली है। रामपुर में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान में डिप्टी सीएम को ऑफर कर दिया था कि सॉफ्टवेयर में ले लेके आए, वहीं शिवपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटाक्ष पे एक पलटवार किया था। अखिलेश यादव लगातार हमलावर होते रहे हैं, कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी थी, और समाजवादी पार्टी की जो आईटी सेल है उस पर भी एक एफआईआर हुई थी कि उन्होंने आरएसएस के ऊपर जो है वो आरोप लगाए थे और कहा था कि आरएसएस जो है वो जो छात्र है जो उनसे संबंधित उनके छात्र बढ़ते हैं उनसे जो है वो दुर्व्यवहार करे। तो आरोप प्रत्यारोप की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है लगातार कटाक्ष कर रही है, लगातार बयान दे रही है, गंभीर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे कि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के बाई इलेक्शन में जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान हो, वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम काटा जा रहा है, जिससे कि ये जो पहली बार जो सुनहरा मौसम भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा जा रहा है मैनपुरी जीतने का वो आसान हो सके। नंदनी जी, विवेक, आपने जिस तरीके से बताया कि बीजेपी ये चाहती है कि शिवपाल यादव इस मैनपुरी उपचुनाव से दूर रहे, तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी ये बयान सामने आया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी और शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। मैं आपको बता दूं, जब सारे सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की जब सुरक्षा घटाई जा रही थी तो उस समय शिवपाल यादव की सुरक्षा को बहाल किया गया था। शिवपाल यादव ने
अपनी अलग पार्टी जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना लेती और अखिलेश और उनके रिश्ते जो है वो थोड़े कठोर बनने लगे थे, थोड़े कड़वे बनने लगे थे। उसके बाद से इस उपचुनाव के लिए डिंपल ने शिवपाल यादव को मनाया है, डिंपल ने फोन किया था, शिवपाल यादव साथ आए, अपने परिवार के साथ आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी खलबली मची थी। जिसके बाद से उनकी सुरक्षा श्रेणी को डिमोट किया गया, रिवर्सन घोटाले की जांच की जाए, जांच प्रवासी शुरू कर दी गई और उनके सरकारी बंगला जो उनको आवंटित था लखनऊ में उसको खाली कराने की भी कवायद देखी जा रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से प्रेशर दे रही है शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को, जिससे जो है इलेक्शन में खासा फर्क बढ़े, लेकिन उतना खासा फर्क इस इलेक्शन में पड़ते समाजवादी पार्टी को दिख नहीं रहा। वो बड़ी ही तत्परता से मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, मुखर उसे गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। लगातार दो दिन लखनऊ में सपा के मुख्य प्रवक्ता अरविंद चौधरी ईसीआई के ऑफिस पहुंचे थे, ज्ञापन देने पहुंचे थे, तमाम शिकायतें कराई थी। आजम खान को भी ये टारगेट लगातार किया जा रहा है कि किस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं को जो काम नहीं करने दिया जा रहा, तो तमाम ज्ञापन लेके राजेंद्र चौधरी वहां पे पहुंचे थे। लेकिन अभी जो शिवपाल यादव का नया बयान आया कि इन सारी चीजों से हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मैनपुरी और इटावा में सपा की लहर है और सपा फिर से यहां से एक बार जीतेगी। नवनी विवेक, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में शिवपाल यादव को लेकर एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये चुनावी चाचा है। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष था, क्योंकि हम जान रहे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ में हारे, गोला गोकुलनाथ में हारे, आजमगढ़ में अखिलेश यादव खुद प्रचार भी करने नहीं गए थे, उनके भाई वहां धर्मेंद्र यादव थे और किसी भी जो चुनाव आजमगढ़ या फिर गोला गोकुलनाथ में हुआ था वहां पे उन्हें अपने चाचा की याद नहीं आई थी। ये फैक्ट बात है जिसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। और मैनपुरी में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े प्रवक्ता और लेके बड़े जो नेता है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हुए, चाहे वो ब्रजेश पाठक हुए, चाहे खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सिर्फ मैनपुरी के लिए चाचा भतीजा का साथ है, ये भतीजे का स्वार्थ है मैनपुरी के लिए चाचा का, और इस चुनाव के बाद दोनों का साथ एक साथ नहीं होने वाला है। तो ये जुबानी रंग और कटाक्ष जो है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि चुनाव जैसे जैसे एक एक दिन बीत जा रहा है, दोनों पक्षों के नेताओं में गंभीर जुबानी जंग भी हो रही है और एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।